अपने दर्शकों को बताते मेरे साथ ही विनोद मिश्रा ने बड़ी खबर दी है कि जिस तरह से शाइस्ता परवीन और जैनब की लखनऊ में होने की जानकारी मिली है, दरअसल ये जो पूरा कनेक्शन है वकील विजय मिश्रा से जुड़ा हुआ है। अतीक का वकील विजय मिश्रा संपत्ति की डील के लिए दरअसल लखनऊ गया था और अतीक की बेनामी संपत्ति की ही डील होनी थी और इसमें जैनब और शाइस्ता परवीन के भी होने की बड़ी खबर थी कि इस डील में जैनब को यानी कि अशरफ की पत्नी को इस डील में शामिल होना था और ये बड़ी खबर है। हालांकि पुलिस की तरफ से अब जो वकील है विजय मिश्रा उसे तो गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे पूछताछ की जा रही है। विनोद मिश्रा लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। विनोद, यानी कि जो वकील था वो तो पुलिस गिरफ्त में आ चुका है और ये भी अब स्पष्ट हो चुका है कि शाइस्ता परवीन और जैनब को अगर इस डील में शामिल होना था तो लखनऊ में, यानी कि उनकी गिरफ्तारी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और क्या बड़े खुलासे हुए इस पर? बिल्कुल, देखिए सही कहा यह जा रहा कि जैनब के बारे में बहुत पुख्ता जानकारी पुलिस को हाथ लगी है। विजय मिश्रा ने जो टिप्स दिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उसके आधार पर पुलिस ने जैनब की लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। कहा जा रहा कि जैनब पहले लखनऊ में थी लेकिन शायद अब वो प्रयागराज के किसी गाँव में छिपी हुई हो सकती है और जल्द ही पुलिस उस तक पहुँच सकती है। तो अगले कुछ घंटों में आपको बड़ी खबर जैनब को लेकर मिल सकती है, जैनब को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर जैनब गिरफ्तार होती है तो शाइस्ता परवीन के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। अतीक और अशरफ की हत्या के करीब 105 दिन हो चुके हैं और इसके बाद से ये दोनों बेगमें जो है वो लगातार फरार हैं। लेकिन विनोद एक बात जरा समझाइए, क्योंकि इसके पहले भी खासतौर से प्रयागराज में जब शाइस्ता परवीन के होने की खबर थी तब ये माना जा रहा था कि यही प्रयागराज कहीं ना कहीं पुलिस के लिए थोड़ा सा टफ जरूर हो जाता है इस गिरफ्तारी को अंजाम देने के लिए।